इंटरवल वी आर अगेन एट द लाइव सेशन। मेरी आवाज़ आ रही है? एक्चुअली थोड़ा सेटिंग एरर था तो मैंने अभी सेटिंग ठीक किया है। अब देख लो आप लोग, थोड़ा सा बताओ मुझे आवाज़ आ रही है या नहीं। वॉइस आलोक राज सिंह आवाज़ नहीं आ रही। ओके मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। आवाज अब ठीक है? इज द वॉइस क्लियर नाउ? वॉइस आप चेक कर लो फिर उसके बाद में बताता हूँ। वॉइस वीडियो तो आ रहा है, वीडियो मुझे दिख रहा है मेरे लैपी में। वॉइस क्लियर है या नहीं ये देख लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। एंड आज काफी दिनों के बाद हम लोग फिर से एक लाइव सेशन में आए हैं तो बहुत सारा मस्ती भी होने वाला है ऑफकोर्स। एंड वी आर डूइंग टू सो मेनी डाउट्स जो हैं आपके पास भी आ चुके थे वो सब क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए, तो अब कह रहे हैं वॉइस इज कमिंग बट नाउ नॉट क्लीन। मे बी थोड़ा सा कुछ इशू रह गया होगा बाबू वॉइस में, नेटवर्क वगैरह के इशू के कारण। मतलब ऑडिबल है, सुनने लायक है तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके तो आलोक राज का देखिए क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। आलोक राज इज सेइंग दैट सर रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी में बहुत कंफ्यूजन रहता है, हम अच्छा से क्लियर नहीं कर पाए हैं, क्लियर कर दीजिएगा ना। हाँ ऑफकोर्स, काहे नहीं। देखो रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस बहुत ही सिंपल सा थिंग है स्टूडेंट्स, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट उसमें टॉपिक नहीं है, ठीक है, और उसको अब तुम इजिली समझ भी सकते हो। ओके तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। अब वॉइस तो ऑडिबल है तो जितने भी बच्चे हैं अपना अपना डाउट्स जो है लेकर के आ जाइए, जो भी डाउट्स आता है वो हम क्लियर करते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे और इतने दिनों के बाद एक बार फिर से मैं लाइव सेशन हुआ हूँ। बीच में तो मेरा जो लैपी था वो ख़राब हो गया था, एंड लैपी ख़राब होने के बाद जब लैपी ठीक हुआ तो मेरा जो ट्राइपोड स्टैंड है ट्राइपोड स्टैंड टूट गया था, तो उन दिनों लॉकडाउन भी था तो लॉकडाउन की वजह से ना स्टैंड बन पा रहा था ना और कुछ, तो काफ़ी बेसिकली मतलब दिक्कत हुआ है। और इस वजह से अब फिर से एक बार दोबारा नया स्टैंड ला करके फिर मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो आप लोग का लाइव सेशन मैं अब शुरू किया हूँ। ओके तो कोई बात नहीं, अभी भी कोई ज़्यादा देर नहीं हुआ है, अब जो है हम लोग आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, वी हैव टू डिस्कस द रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ये दो टॉपिक है जिसको हमें डिस्कस करना है। ओके सो इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज टू टॉपिक्स दैट मीन्स रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, देन these are the both similar things but there is a little difference between them. okay if you are talking about the resistance alok, okay agar aap resistance ke bare mein rcxd me ko laga english wala voice padha rahe ho no exact not that I was saying that voice is clear or not. okay तो resistance की अगर आप बात कर रहे हो students तो resistance क्या होता है, तो ये एक तरह का अपोजिंग नेचर होता है जो किसी भी वायर में अपोज करने के लिए जेनरेट होता है, करंट के फ्लो को अपोज करने के लिए जेनरेट होता है। ओके एंड रेसिस्टिविटी क्या है, तो रेसिस्टिविटी इसके अपोज करने की कैपेसिटी होती है। ये दोनों में बेसिकली एक डिफरेंस है, ये अपोज करने का नेचर